हेलो एवरीवन, केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती 2023-24 के लिए नया विज्ञापन जारी हो चुका है। सैलरी यहां पर पीजीटी की पोस्ट के लिए 27,500 पर मंथ मिल रही है और टीजीटी की पोस्ट के लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 26,250 पर मंथ दी जाएगी। टीजीटी में यहाँ पर और पीजीटी में आप हिंदी और संस्कृत की जो है डिमांड करते हैं कि हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट की अगर वैकेंसी आए तो आप बताना, तो इस वीडियो में आपको दोनों ही सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। जो भी हिंदी और संस्कृत के स्टूडेंट हैं तो अंत तक वीडियो देखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सभी बातें जो है हम ऑफिशियली मेन वेबसाइट पर जाकर देखेंगे। कोई फीस नहीं लगेगी, कोई एग्जाम नहीं होगा यहाँ पर, ना ही कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है। सबसे बड़ी बात है, 1 साल का भी एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सभी राज्य के स्टूडेंट यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट है तो अंत तक वीडियो देखिएगा, कोई भी गलती ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त। कैसे जो है मेन वेबसाइट पर जाना है, कहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, एडवर्टीजमेंट कैसे देखनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो ध्यान से देखें। सबसे पहले पीजीटी इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है और यहाँ पर पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए 50% मार्क्स के साथ जो है आपने पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट की है, बीएड आपने क्वालिफाई है और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही पढ़ाने का तरीका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। 27,500 पर मंथ जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं पीजीटी में सभी के लिए ये सैलरी रहेगी। विज्ञापन जो जारी हुआ है 30 सितंबर 2023 को जारी हुआ है, यानी 2 ही दिन हुए हैं, बिल्कुल फ्रेश एडवर्टीजमेंट है। नेक्स्ट पीजीटी केमिस्ट्री के लिए है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन सभी में यही मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट आपने केमिस्ट्री में किया है, यानी एमएससी आपने पोस्ट केमिस्ट्री में किया है या बायो केमिस्ट्री में किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। बीएड मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए, 27,500 पर मंथ मिलेगा। नेक्स्ट पीजीटी हिंदी के लिए, और हिंदी सब्जेक्ट की जो है वो काफी डिमांड रहती है, काफी स्टूडेंट जो है वो पूछते रहते हैं पीजीटी हिंदी और संस्कृत के लिए। यहाँ पर पीजीटी हिंदी के लिए कहा है कि 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स, अगर आपने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमएससी कोर्स किया है, ठीक है, और आपने हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ा है या हिंदी या संस्कृत के साथ में हिंदी पढ़ा है ग्रेजुएशन लेवल पर, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। या आपने मास्टर डिग्री यानी आर्ट्स से आपने हिंदी किया है 50% मार्क्स के साथ में, बीएड आपके पास है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और जो है बिल्कुल यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो है वो घबरा जाते हैं, जैसे ही यहाँ लिखा रहता है कि टीचिंग इन इंग्लिश, ठीक है, तो हमें तो बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही जो है स्टूडेंट अप्लाई करते हैं और धीरे धीरे करके जो है सीख भी जाते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल फॉर्म फिल करना चाहिए। और पीजीटी हिंदी के टीचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है हिंदी अच्छे से पढ़ानी आपको आनी चाहिए। 27,500 पर मंथ यहाँ पर आपको मिलेगी। पीजीटी इंग्लिश के लिए यहाँ पर कहा है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स किया है और इंग्लिश आपने पढ़ा है, या आपने मास्टर डिग्री आपने एमए किया है इंग्लिश से और 50% अंक के साथ में बीएड है, तो आप यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए काफी ऑप्शन रहते हैं, जिसमें आपने जो है डिप्लोमा या डिग्री कंप्यूटर साइंस में किया है, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। और भी कई ऑप्शन हैं, तो आप जो है वो अच्छे से इसको देख लें, जो कि आपके पास होने ही चाहिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। जैसे आपने बीई या बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस या आईटी में, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है इससे संबंधित, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके पास जो है बीएससी कंप्यूटर साइंस या एमएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए या एमसीए आपके पास है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा है, तो भी आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद टीजीटी संस्कृत के लिए जो है यहाँ पर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, यानी कि आपके पास जो है बीए बीएड, ठीक है, बीए बीएड आपने किया है 50% मार्क्स के साथ में, या आपने जो है बैचलर डिग्री स्नातक किया है 50% मार्क्स के साथ में आपके सब्जेक्ट के अंदर, तो आप यहां पर एलिजिबल हैं। और टीजीटी संस्कृत जो है वो आप लोगों ने संस्कृत सब्जेक्ट जो है आप लोगों ने 3 साल जो है स्नातक में पढ़ी हो, ये यहां पर मांगा गया है। बीएड कंपलसरी है और आपका सीटेट भी यहां पर
मांगा गया है। यहाँ पर एसटेट जो है नहीं कहा है कि स्टेट टेट अगर आपने क्लियर किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, केवल जो है यहाँ पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सी टेट जो है मांगा गया है। 26,250 पर मंथ जो है आपकी सैलरी यहाँ पर रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोगों को बता देती हूँ कैसे जो है आपको भरना होगा। सेशन 2023-24 के लिए यहाँ पर जो है टीचर्स रखे जाएंगे, यानी अगले सेशन के लिए किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे पीजीटी या टीजीटी, सब्जेक्ट लिखेंगे हिंदी संस्कृत ठीक है या कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर अपना नाम, फादर या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से जो है जो आप यूज़ कर रहे हैं अभी करंट में वो ही आप डालें, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं होगा तो आप लोगों को या तो ईमेल आएगा या आपको जो है कॉल आएगा ठीक है, उसके बाद ही जो है इंटरव्यू के लिए आपको जाना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो है आप भर देंगे सारी चीजें, आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में जेबीटी, बीएलएड, डीएड, बीएड या बीपीएड क्या किया है। यहां पर पीजीटी और टीजीटी की बात है तो आपके पास जो है बीएड हमने देखा क्वालिफिकेशन में तो ये मांगा गया है, तो आप जो है बीएड ही फिल करेंगे। अदर क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास कंप्यूटर की, जैसे हिंदी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और कंप्यूटर का जो है डिप्लोमा है आपके पास तो आप यहां पर भर दें, या और भी कोई आपके पास सर्टिफिकेट है या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो जो है आप लोग आगे लगाएं ठीक है। और जिनके पास नहीं है तो वो बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दें, क्योंकि यहां पर कंपलसरी नहीं है कि एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। और बाकी जो है यहां पर अपना नेम एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इस तरीके से आप कर देंगे। तो एडवर्टीजमेंट कहां से जारी हुआ है तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूं। सबसे पहले गूगल पे जाना है आप लोगों को, मसारक केवीएस ऐसे जो है आप लोग टाइप करेंगे, सबसे ऊपर जो है लिंक आ जाएगा केवीएस मसारक का। ये जो है इसकी मेन वेबसाइट का अनाउंसमेंट सेक्शन है, मसारक सारण ठीक है। और ये कहां पर है तो ये जो है बिहार राज्य में है, सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार राज्य। अनाउंसमेंट सेक्शन में जो तीनों टाइटल हैं वो यहां पर इसी से संबंधित हैं। बायोडाटा सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा, उसके बाद जो है इंटरव्यू एडवर्टीजमेंट आपको मिलेगा, फिर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मैंने आपको दिखा दी, बायोडाटा मैंने आपको दिखा दिया, इंटरव्यू एडवर्टीजमेंट जो है वो मैं आप लोगों को अब दिखा देती हूँ। ये देखिए जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि किस दिन और किस समय आप लोगों को पहुंचना है इंटरव्यू के लिए। केंद्रीय विद्यालय मसरक से वैकेंसी है, मसरक पोस्ट है जिला सारण बिहार। साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के लिए सूचना 30 सितंबर 2023। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है, अभी केवीएस की तरफ से कोई भी परमानेंट वैकेंसी नहीं आई है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए पूर्णतः अस्थायी या अंशकालीन अनुबंध के आधार पर पैनल तैयार किया जा रहा है टीचर्स का। साक्षात्कार का आयोजन केंद्रीय विद्यालय मसरक सारण में होगा 16-10-2023, 16 अक्टूबर 2023 को आप लोगों का इंटरव्यू होगा, एग्जाम नहीं होगा। जितने भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं तो इंटरव्यू के टाइम पर अपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने आपको दिखाया है उसको मेन वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी वीडियो के नीचे, तो आप लोग डायरेक्ट उस पर जाकर और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके फिल करके अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटो कॉपी, उन पर अपना साइन करके एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ में, और स्वयं के खर्चे पर यानी कि आपको खुद ही वहन करना है जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, और साथ में जो है आपको जाना है यानी यात्रा जो भत्ता है वो स्कूल की तरफ से नहीं होगा। साक्षात्कार के लिए आप सीधे चले जाएं, आपको कोई पोस्ट नहीं करनी है यहाँ, आप लोगों को सारी चीजें लेकर खुद जो है इंटरव्यू के लिए समय पर पहुंचना है। अभ्यर्थी को हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए, तो बिल्कुल जो है कॉन्फिडेंस के साथ आप चले जाएं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश जो है वो हमसे बोली ही नहीं जाएगी, क्योंकि वहां हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया जाता है ठीक है, और दोनों को ही इंपॉर्टेंस मिलती है। डेट और टाइम जो रहेगा वो 16 अक्टूबर 2023 है, 10 बजे यहाँ पर रहेगा इंटरव्यू का टाइम, लेकिन आपको 8 बजे पहुंच जाना है। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दी, और यहाँ पर मंथ क्या सैलरी मिलेगी ये भी आपको बता दिया। आप अच्छा काम करेंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर भी जो है यहाँ के लिए आपकी पोस्ट को रिन्यू कर दिया जाएगा ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचें कि एक साल काम करने के बाद जो ये आपको हटा देंगे। उसके बाद जो है अगर परमानेंट वैकेंसी आती है उस कंडीशन में जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो टीचर्स होते हैं तो उनको निकाला जाता है ठीक है। लेकिन यहां पर जो है आप लोगों को
एक्सपीरियंस मिलेगा। और बहुत सारी वैकेंसी जो कि मेरे चैनल पर मैं आप लोगों को देती हूँ, जहां पर 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा ही जाता है। तो आप लोग अगर ऐसे केवीएस में पढ़ाएंगे, डीपीएस में पढ़ाएंगे, 1 साल का अलग अलग स्कूलों का एक्सपीरियंस लेंगे, तो इससे आपका ही जो है बेनिफिट होगा, भविष्य में परमानेंट जॉब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, मेन वेबसाइट है masarak.kvs.ac.in, इस पर विजिट करें, अपना बायोडाटा फॉर्म डाउनलोड करें, वॉक इन इंटरव्यू के दिन जो है रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम पर पहुंच जाएं, ठीक है। और बाकी आयु सीमा जो है वो यहाँ लिखी है 18 से लेकर 65 वर्ष, 18 से लेकर 65 वर्ष की आयु तक के उम्मीदवार यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर अंशकालिक या संविदा के आधार पर जो है यहाँ पर अस्थायी तौर पर टीचर्स रखे जाएंगे। अभी परमानेंट का जो है कुछ भी जो है न्यूज़ नहीं आ रही है, और जैसे ही परमानेंट वैकेंसी की आती है तो वो भी मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताऊंगी। इस तरीके से जो है ये वैकेंसी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और आपके काम की है, आपका सब्जेक्ट है तो आप जरूर फॉर्म फिल करें। आपके रिलेशन में या फिर आपके कोई फ्रेंड्स जिनको जल्द से जल्द जो है जॉब चाहिए, अर्जेंट जो है अर्न करना चाहते हैं, ठीक है, और इसके साथ एक्सपीरियंस भी चाहते हैं, तो उनको भी जो है बताएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें, ताकि समय पर आप लोगों को सारी सूचनाएं चैनल के माध्यम से मिल सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।